और उस वक्त देखिए एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, वो आपको बता देते हैं। पुलिस ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को कोल्हापुर जाने से रोक दिया है। किरीट सोमैया महालक्ष्मी एक्सप्रेस से कोल्हापुर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया और वापस मुंबई जाने के लिए कहा है। किरीट सोमैया सुबह 9:30 बजे मीडिया से बात करेंगे, इसके बाद वो मुंबई लौट जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोल्हापुर जाने के लिए किरीट सोमैया जब सीएसटी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे तब भी हंगामा हुआ था। दरअसल किरीट सोमैया महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशरफ पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और किरीट का आरोप है कि मंत्री हसन मुशरफ और उनके परिवार के पास बेनामी संपत्ति है और इसी सिलसिले में वो कोल्हापुर जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने कोरोना नियम और उनकी जान को खतरे का हवाला देकर वहां जाने की इजाजत नहीं दी है और सुबह 9:30 बजे के करीब वापस लौट सकते हैं किरीट सोमैया। और हमारे साथ नवनाथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नवनाथ, अभी क्या हो रहा है वहां पर, किरीट सोमैया कहां है, क्योंकि कई तरह के आरोप उनके तरफ से लगाए गए। सुबह 4:30 बजे किरीट सोमैया की ट्रेन कराड़ में यहाँ पे से कोल्हापुर से नजदीक 70 किलोमीटर पहले ही रोक दी गई है और किरीट सोमैया अभी कराड़ में पहुंच चुके हैं। कराड़ के गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में किरीट सोमैया को पुलिस ने रखा है। किरीट सोमैया सुबह 9:30 बजे लगभग पत्रकारों से बातचीत करेंगे और हसन मुशरफ जो महाराष्ट्र के में मंत्री है उनपे कई आरोप और भी लगा सकते हैं। आप सभी को पता है कि कल से महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। किरीट सोमैया जैसे ही कोल्हापुर के लिए निकले थे तो पुलिस ने उनको घर पे ही हिरासत में लेने का प्रयास किया, लेकिन किरीट सोमैया ने वो बात नहीं मानी और वो फिर सीएसटी स्टेशन पे पहुंच गए। वहां पे भी पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, फिर भी किरीट सोमैया अड़े रहे और यहाँ कोल्हापुर के लिए रवाना हुए, लेकिन कोल्हापुर से पहले ही उनको रोका गया और उनको कहा गया है कि कोल्हापुर जाने से बहुत ठीक है प्रॉब्लम हो सकता है। इसी मद्देनजर किरीट सोमैया को यहाँ पे रोका गया है। नवनाथ लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। नवनाथ हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। और देखिए किरीट सोमैया को रोक लिया गया है, हालांकि उनकी तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों पर और शायद इसीलिए इस तरह की कार्यवाही हो भी रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।